हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं आप सब व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूं हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की सैर करने वाले हैं वो देश अपने आप में सबसे अलग है। एक ऐसा देश जहां आपको देखने को मिलेगा हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर। एशिया का एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे हिंदुओं और बुद्ध के मंदिर। एक ऐसा देश जहां के 50% से भी ज्यादा लोग मात्र 15 साल की उम्र के हैं। जी हां दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद एक छोटे से देश कंबोडिया की। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस देश के बारे में कई सारे अमेजिंग और दिलचस्प बातें भी। और साथ ही मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेहद ही कम पैसों में कंबोडिया घूमकर आ सकते हैं। तो आप सब बने रहिए मेरी इस वीडियो में और मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कंबोडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम सबसे ज्यादा बार बदला गया है। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया को 9 नवंबर 1953 को फ्रांस से आजादी मिली थी और तब से लेकर आज तक कंबोडिया का नाम 5 बार बदला जा चुका है। 1953 से 1970 तक इसे किंगडम ऑफ कंबोडिया के नाम से जाना जाता था, फिर इसे खामेर रिपब्लिक और फिर डेमोक्रेटिक कंपोसिया और फिर इसका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कंपोसिया के नाम से जाना गया और 1989 से अब इसे कंबोडिया के नाम से जाना जाता है और इसका ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ कंबोडिया है। दोस्तों, कंबोडिया की बॉर्डर थाईलैंड से नॉर्थ वेस्ट में लाओस के साथ, वियतनाम के साथ ईस्ट में और गल्फ टीएफ में थाईलैंड से मिलती है। इस देश की कुल आबादी है 1,65,00,000 और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 71वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यह देश 1,81,035 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की मात्र 25% आबादी ही शहरों में रहती है, जबकि 75% आबादी गांव में रहना पसंद करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की 50% से भी ज्यादा आबादी की उम्र मात्र 15 साल या उससे कम है, मतलब कि यह देश अभी काफी यंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंबोडिया का इतिहास काफी ज्यादा भयानक रह चुका है। दोस्तों, 1975 से 1979 तक मात्र 4 सालों में यहाँ के सरकार के द्वारा 30,00,000 लोगों को मार दिया गया, जो यहाँ की आबादी का 20% थे। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने इतने लोगों के ऊपर गोली चलवाई कि सरकार को इंसान से ज्यादा गोली कीमती लगने लगा। इन 4 सालों में यहाँ की सरकार ने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर, मंदिर के पुजारी और बौद्ध पंडितों के साथ साथ हर उस इंसान को गोली मार दी जो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते थे। वेल फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? शायद नहीं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कंबोडिया पूरी दुनिया में अपने लाजवाब खाने के लिए फेमस है। साथ ही बता दें कि यहाँ का नॉनवेज खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही कंबोडिया अपने स्वादिष्ट मछलियों के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान के बाद कंबोडिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ के फ्लैग पर किसी बिल्डिंग की तस्वीर बनी हुई है और ये तस्वीर है अंकोर वाट में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया के लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट यहाँ के कई लोगों तक को अपना बर्थडे ही पता नहीं होता। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोग किसी के मरने पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसान की आखिरी विदाई सबसे शानदार होनी चाहिए। इसलिए यहाँ के लोग किसी इंसान की आखिरी विदाई में जमकर पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, कंबोडिया का मुख्य धर्म बौद्ध है। यहाँ की 93% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। साथ ही 4% लोग इस्लाम, 2% लोग क्रिश्चियन और 1% में बाकी बचे धर्म के लोग आते हैं। और यही वजह है कि कंबोडिया में आपको हर जगह बौद्ध मंदिर और बुद्ध के स्टेच्यू आसानी से दिख जाएंगे। साथ ही कंबोडिया पूरी दुनिया में अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के 75% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम मछली पालन है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ की मछलियाँ दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। साथ ही ये व्यवसाय इस देश के डेवलपमेंट में एक बड़ा हिस्सा निभाती है। इसके अलावा यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद है, जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कोई हिंदू देश नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों में 1% से भी कम आबादी हिंदू लोगों की है। बाय द वे, इस मंदिर का नाम है अंकोर वाट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मंदिर लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इससे इस बात का पता चलता है कि कई सालों पहले शायद यह एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और मंदिर की वैल्यू कंबोडियन हिस्ट्री में इतनी ज्यादा है कि यहाँ के फ्लैग में इस मंदिर की पिक्चर बनी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टॉम राइडर, इस फिल्म की शूटिंग कंबोडिया में ही हुई थी, और इस फिल्म के बाद ही दुनिया भर के लोगों को इस देश के बारे में पता चला, और उसके बाद इस देश को घूमने लाखों की तादाद में टूरिस्ट आने लगे। दोस्तों, कंबोडिया में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है द खेमर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। यह त्योहार 3 दिनों का होता है, और आपको यकीन नहीं होगा कि कंबोडियन लोग इन 3 दिनों के लिए पूरे देश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। 3 दिनों तक हर स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट सेक्टर बंद होते हैं, और सरकारी ऑफिसों की भी छुट्टी होती है, और 3 दिनों तक यहाँ के लोग दिल खोल कर मस्ती करते हैं। दोस्तों, कंबोडिया में लोगों की शादी बेहद ही कम उम्र में ही हो जाती है। यहाँ 25 साल की उम्र तक लड़कों की और 22 साल की उम्र तक लड़कियों की शादी कर दी जाती है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही यहाँ के 75% लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर शादियाँ लव मैरिज होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 60% शादियाँ लव मैरिज होती हैं। साथ ही यहाँ के लोग शादियों को लंबे समय तक निभाते भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि कंबोडियन शादी बड़े कमाल की होती है, और यहाँ शादी का सेलिब्रेशन 3 दिनों तक चलता है। दोस्तों, कंबोडिया के बारे में सबसे खतरनाक फैक्ट यह है कि आज भी यहाँ के जंगलों में तकरीबन 40 से 60 लाख एक्टिव लैंड माइंस लगे हुए हैं, जिससे हर साल 30 से 40 लोग मारे जाते हैं। मतलब कि यह देश थोड़ा रिस्की है। दोस्तों, कंबोडिया की करेंसी को कंबोडियन रियल कहा जाता है, लेकिन इस देश में आप कहीं भी अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ के किसी भी हिस्से में अमेरिकन डॉलर आप आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंबोडिया रियल की वैल्यू इंडियन करेंसी के मुकाबले काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 56 कंबोडियन रियल 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, कंबोडिया की सबसे बड़ी लेक है टोनले सांप लेक, यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह झील यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा भी है। यही वो झील है जहाँ सबसे ज्यादा मछलियाँ पाला और पकड़ा जाता है। वेल गाइज, कंबोडिया में आपको कई ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो जानवर आपको कहीं और देखने को ना मिले। साथ ही यहाँ आपको कई अलग अलग प्रजाति के बर्ड भी देखने को मिलेंगे। हर सीजन में यहाँ आपको अलग अलग तरह के बर्ड देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कंबोडिया की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आपको कितना खर्चा आएगा कंबोडिया की सैर करने में। दोस्तों, कंबोडिया की सबसे खूबसूरत जगह है अंकोर वाट। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है अंकोर वाट का मंदिर। इसे एक विष्णु मंदिर माना जाता है। अंकोर वाट का पुराना नाम यशोधरपुर था, और इसे सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। यहाँ आपको कई और पुराने मंदिरों के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको हमेशा कई देशों के टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। आप जब भी कंबोडिया आए, यहाँ जरूर आए। यह मंदिर ऐतिहासिक कला का एक जीता जागता उदाहरण है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 40% लोग हर साल सिर्फ इस मंदिर को देखने कंबोडिया आते हैं। नोम पेन, यह कंबोडिया की कैपिटल सिटी है, साथ ही सबसे बड़ा शहर भी है। नोम पेन खूबसूरत शहर होने के साथ साथ एशिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कई नेशनल म्यूजियम और कई खूबसूरत शाही महल। साथ ही इस शहर को रॉयल सिटी भी कहा जाता है। और तो और, यहाँ कई खूबसूरत होटल भी आपकी ट्रिप को अच्छा बना देंगी। प्रेवियर, यह एक ऐतिहासिक जगह है। यह भी एक मंदिर है। पहाड़ की ऊंचाई में मौजूद यह मंदिर इतिहास कला का एक खूबसूरत नमूना है। आपको यहाँ हमेशा टूरिस्ट नजर आएंगे। साथ ही यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जंगल की वो खूबसूरत नज़ारे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए
यह जगह आपकी विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। सिहानोक विले, गल्फ ऑफ थाईलैंड के किनारे मौजूद यह खूबसूरत बीच आपको दीवाना बना देंगी। यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के समुद्री किनारे पर बने छोटे छोटे झोपड़ी नुमा रिसोर्ट देखकर आप मालदीव की खूबसूरती भूल जाएंगे। साथ ही यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक सी फूड और नॉनवेज खाना। यकीन मानिए, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यह जगह आपका इंतजार कर रही है। कंपोत एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जो आपको प्राचीन कलाकृति का एहसास कराता है। अपने बहुत ही ठंडे वातावरण के कारण यह स्थान पर्यटकों को बहुत पसंद आता है और पर्यटक यहाँ कुछ दिन रुकना पसंद करते हैं। यदि आप कंबोडिया की यात्रा पर आते हैं तो कंपोत शहर में कुछ दिन रुककर जरूर देखें। टोनले सांप लेक, टोनले सांप लेक कंबोडिया का सबसे मीठे पानी का झील माना जाता है। यह दक्षिण एशिया का सबसे मीठे पानी वाला सांप झील है। टोनले सांप लेक से कंबोडिया के अधिकतर भागों में खेती के दौरान सिंचाई की जाती है। साथ ही यहाँ रहने वाले लोग मछली पालन का व्यापार भी करते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंबोडियन नाइट लाइफ, दोस्तों अगर आप नाइट लाइफ के दीवाने हैं तो कंबोडिया आपके लिए एक बेस्ट जगह साबित हो सकती है। कंबोडिया में कई बार और क्लब हैं जो कंबोडिया की नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं। अक्सर रंगीन मिजाज टूरिस्ट कंबोडिया में घूमने के साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ का मजा लेने भी आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम रिप और नोम पेह में कंबोडिया की नाइट लाइफ के सबसे अच्छी जगह मौजूद है, जहाँ आपको बहुत सारे कैसिनो और क्लब भी आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको कई ऐसे जगहें भी मिलेंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी और यहाँ की नाइट लाइफ आपको जिंदगी भर याद रहेगी। आप यहाँ की नाइट लाइफ का मजा बेहद ही सस्ते कीमत पर उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ के पब और बार में आप हर उस चीज का मजा ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। यकीन मानिए, यहाँ की नाइट लाइफ आपको हमेशा याद रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि कंबोडिया जाने में आपको कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, कंबोडिया में आपको पर हेड 30 से 35 हजार का खर्चा आएगा, वो भी 4 से 5 दिनों के लिए। आप ई वीजा के तहत बड़ी आसानी से कंबोडिया की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कंबोडिया के बारे में वो दिलचस्प और अमेजिंग बातों से भरी एक खूबसूरत वीडियो जो आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। मैं आरान खान आपसे फिर मिलूंगा, फिर किसी नए देश की अमेजिंग फैक्ट से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।